विश्व डायाबिटीस दिवस निमित्ते अमदावाद में डायाबिटीस जागरूकता माटेनो वार्तालाप आयोजायो हतो, जेमां डॉक्टर राहुल मंडोले कह्युं हतुं के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुजब भारत ने डायाबिटीसना कैपिटल तरीके ओळखवामां आवे छे। देश में डायाबिटीस मोटा प्रमाण में फैलाई रह्यो छे। आज दरेक घर में डायाबिटीस ओछा में ओछो एक दर्दी जोवा मळे छे। आ डायाबिटीस ने कारण उभी थती गंभीर बीमारी जम के हृदय रोग, किडनी फेलियर, आंखें ओछू देखाव वगैरह नो सामनो 40 वर्ष के तेथी वधु वयना लोको करी रह्या छे। जो दरेक व्यक्ति पोतानी जीवनशैली ने खाणीपीणी प्रत्ये जागृत रहेशे तो ज डायाबिटीस ने समस्या हळवी बनी शकशे। हम हमारा जितना जरूरी है आहार उससे कहीं ज्यादा आहार बिना सोचे बिना समझे लेते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी का, आप हम देखें जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है हम फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी कम करना और डाइट का ज़्यादा लेना, इसके वजह से जो पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस बनता है वो पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस ही सारे जो कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो ब्लॉकेजेस से लेकर डायबिटीज तक सारे बीमारियों का जड़ जो है वो यहीं पे है। और इसे अगर हम उल्टा करें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें और आहार कम लें, तो पूरा भारत जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। कि महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो काम तो करे, परिवार को भी संभाले, लेकिन साथ साथ में अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। वो कैसे रख सकते हैं अपनी लाइफ में योगा को और प्राणायाम को, मेडिटेशन को इन्वॉल्व करके? रात को सोते समय वो मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल ही ऐसी रखें, अपने आप को ही मेंटली इतना फ्री रखें, एंजॉयफुल रखें। वो कैसे बनेगा? पॉजिटिव एटीट्यूड से बनेगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना बहुत ज़रूरी है।